हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। बिहार 7th फेज की जो ईवीएस है उसमें हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं आज। इससे पहले चैप्टर 1 हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप वहां से जरूर देखें। ये सेशन आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसको। और चैनल पर नए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। आज हमारा चैप्टर 2 है क्लास 5 का खेल। इसमें खेल जो है, जितने भी खेलों के बारे में इसमें बताया गया उसके बारे में क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड कुछ जानकारियां हैं आपके लिए। पहला हमारा खेल है खो खो। पहला क्वेश्चन आता है खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में आपके 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें से 9 प्लेयर आपके खेलते हैं और जो 3 प्लेयर हैं आपके वो रिजर्व होते हैं। ठीक है, तो एक पाली में आपके 12 प्लेयर होंगे कुल, जिसमें से 9 प्लेयर खेलते हैं और 3 प्लेयर रिजर्व होते हैं। अगर ये पूछा जाए खो खो का मैदान कितना लंबा और चौड़ा होता है, तो खो खो का मैदान आपका 29 मीटर लंबा होता है और 10 मीटर चौड़ा होता है। 29 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा खो खो का मैदान होता है। ये खो खो से रिलेटेड आपकी जानकारी थी। फिर आपका आता है कुश्ती। कुश्ती में कितने प्लेयर होंगे, दो प्लेयर होंगे इसमें। ठीक है, कुश्ती आपका कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो ये आपका ईरान का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल है ईरान का कुश्ती आपका। कुश्ती को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो प्राचीन नाम जो आपका कुश्ती का क्या है, प्राचीन नाम कुश्ती का प्राचीन नाम है मल्ल युद्ध। ये ईरान का राष्ट्रीय खेल है। ये आपके कुश्ती से रिलेटेड जानकारियां हैं। फिर आपका आता है मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट का अर्थ क्या होता है, इसका भी अर्थ होता है मल्ल युद्ध। ठीक है, आपके जो बुक में मार्शल आर्ट दी हुई है वो कौन कौन सी है देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है कुश्ती का प्राचीन काल में नाम क्या था, अभी बताया मल्ल युद्ध। दूसरा क्वेश्चन है कुश्ती कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो ईरान का है। सोमो कहाँ का मार्शल आर्ट है, ये क्वेश्चन आया था उसमें, बुक में दिया था कि सोमो कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो सोमो आपका जापान का मार्शल आर्ट है। कहाँ का है, जापान का मार्शल आर्ट है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये हमने पूछा जापान की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है, तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो, यहीं से आपकी जीएसबी तैयार होती है। और इसकी मुद्रा क्या है जापान की, येन। ठीक है, तो सोमो आपका कहाँ का मार्शल आर्ट है, जापान का, राजधानी क्या है टोक्यो, मुद्रा क्या है येन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गतका कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो गतका जो है ये पंजाब का मार्शल आर्ट है। पंजाब का मार्शल आर्ट है, ये स्पेशली जो है सिख समुदाय के लोगों से संबंधित है। सिख समुदाय के लोग ये गतका करते थे मार्शल आर्ट के रूप में। ठीक है, और गतका को जो 37वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं 2023 में गोवा में, उसमें इसको जो है शामिल किया गया है गतका को। सैतीसवें राष्ट्रीय खेल 2023 में, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, फोटो होगी, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल है ये। ये कहाँ होगा आपका 37वां राष्ट्रीय खेल, ये आपका गोवा में होगा।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो गतका आपका कहाँ का है? पंजाब का है, और स्पेशली ये कौन से लोग का है? सिख समुदाय का। नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा जूडो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो सुमो जो मार्शल आर्ट है वो आपका जापान का है, लेकिन अगर आपसे पूछे जूडो जो है राष्ट्रीय खेल कहाँ का है, तो जूडो जो है राष्ट्रीय खेल आपका जापान का है। जापान का राष्ट्रीय खेल आपका जूडो है, और सुमो आपका मार्शल आर्ट है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खेल है जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने लिखे हैं। अमेरिका का बेसबॉल, एक एक करके हम लोग याद करेंगे। इंग्लैंड का क्रिकेट, भारत का हॉकी है, मलेशिया का बैडमिंटन, चीन का टेबल टेनिस। ये आपके कुछ राष्ट्रीय खेल थे। आज हमने पांच याद किए, जापान का जूडो हो गया और ईरान का कुश्ती हो गया, सात आठ हो गए हमारे याद। तो ऐसे ही कुछ एक दो लेके हम लोग पूरे याद करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, बिहार में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया। तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 31 जुलाई 1986 को किया गया। सेवंथ हमारा क्वेश्चन है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को आर्थिक सहायता कौन देता है। तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को आर्थिक सहायता भारत सरकार तथा राज्य सरकार देती है। ठीक है, आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं, और कमेंट में ये लिख के जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है, हेल्पफुल है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खिलाड़ी गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो गीता फोगाट जो है किस खेल से संबंधित है, ये आपकी कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुश्ती खेल का उद्गम किस देश से माना जाता है। आपको बताना है कुश्ती खेल का उद्गम किस देश से माना जाता है। इसका आंसर होगा आपका जापान। ऑप्शन ए हमारा राइट है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में जरूर लिख के बताइए आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।